करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें। किन बातों का ध्यान रखना है जो आगे अभी वीडियो में आएंगे, उन बातों को ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो उन चीजों को, ठीक है? कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप न करें। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कल भी ये सवाल आया था, आज भी फिर रिपीट कर रहे हैं इसको, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है? कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कहां कहां पर इसका उपयोग होता है, ठीक है? कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर होता है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते, चालू कैसे करते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, ये सब आज हम जानेंगे, ठीक है? आइए अब कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? कल भी बताया था मैंने, ठीक है, वीडियो द्वारा आपको दिखाया था। तो कौन बच्चा बताएगा कंप्यूटर क्या होता है, किसको याद है बताइए? यस स्टैंड अप। कंप्यूटर क्या होता है? हाँ, कंप्यूटर ऐसा चीज होता है उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हमें पढ़ाई का चीज दिया है हमें समझ नहीं आया तो कंप्यूटर से कर सकते हैं, ऑफिस का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश किया, अच्छा तालियां बजाओ इसके लिए। यस हां, यस बढ़िया सर। ड्राइंग भी बना सकते हैं कंप्यूटर में और हिसाब भी जोड़ सकते हैं और टिकट जब वो ट्रेन के वहाँ पे जाते हैं तब उसको बना सकते हैं। हाँ। और मेट्रो ट्रेन का भी। हाँ ठीक है बच्चों, अभी आप ये बता रहे कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, आपके सामने सवाल है कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, ये सवाल है आपके सामने। आप बता रहे हो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? तो आप बताइए कंप्यूटर क्या होता है। नहीं याद है तो ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से सुनो। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्यों को आसान करती है। सब बोलो मेरे साथ, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी मशीन होती है जो जो हमारे हमारे कार्यों को आसान करती है, आसान करती है और इससे इससे हमारे हमारे बहुत से कार्य जल्दी जल्दी पूरे पूरे हो जाते हैं हो जाते हैं। अब इस सब को एक साथ बोलेंगे, कंप्यूटर कंप्यूटर एक एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी मशीन होती है जो जो हमारे कार्यों को आसान करती है, आसान करती है और इससे इससे हमारे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं जल्दी पूरे हो जाते हैं। ये सवाल कल फिर आएगा, ध्यान में रखना, ठीक है? अब आगे चलते हैं। इससे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। अभी आपको ये तो अच्छे से समझ में आया था कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग हम लोग करते हैं, और फिर से सुनो ध्यान से और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ये कल भी आया था, आज फिर रिपीट हुआ है। अब बताइए ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, देखो आगे सामने है वीडियो में देखो। और ये सोच रहे
हमने देखें इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं? बताइए। यस सर। ये सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं? यस सर। या नहीं? इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को क्या समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है? अगर ये समझ में आया कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है, किसी कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है? किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई बच्चा आप में से ऐसा जिसके अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है वो अपना पूछ सकता है, फिर से बताएंगे उसके लिए। राखी बेटा खड़े हो जाओ, बताइए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? हाँ 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 रेलवे स्टेशन पे और हॉस्पिटल में, ठीक है? और ध्यान से सुनो, आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाने सुनना, जैसा भी डॉक्यूमेंट। पेंटिंग करना, गाने सुनना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना। आगे और चित्रों को देखें और समझें कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं? यस सर। कैसे? वही ना, वही बात, लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग किताबों की जानकारी के लिए किया जाता है, ठीक है? अब जैसे लक्ष्मी किताब निकाल के ले गई, कोई किताब इशू करा के लेके जाए लाइब्रेरी से लक्ष्मी, ठीक है? उसमें टाइम था 15 दिन का, लेकिन लक्ष्मी ने वो जमा नहीं कराई, 20 दिन हो गए हैं, तो उससे पता लगेगा, हम कंप्यूटर में देख के बताएंगे लक्ष्मी उस डेट में किताब निकलवा के ले गई थी लेकिन उसने जमा नहीं किया है, ठीक है? ये सब जानकारी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापिस आई है। ये गैर चित्र को देखें और बताएं राखी सामने क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? यस सर। किन-किन कार्यों के लिए किया जाती है सुनो ध्यान से। बच्चों को रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। बच्चों बैंक में हम जब जाते हैं तो वो मेन काम पैसे का लेन देन का ही होता है, ठीक है? सारे काम उसी से रिलेटेड होते हैं, ऐसे के लेन देन से कोई पैसा जमा करने आएगा, कोई निकालने आएगा, ठीक है? तो वो सारी जानकारी कंप्यूटर द्वारा हम लोग रखते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं, याद है कल का कुछ? हाँ, किसके लिए कर सकते हैं? रिजर्वेशन के लिए और सॉरी रेलवे स्टेशन पर और लाइब्रेरी में नहीं हो आप। रेलवे स्टेशन पर जो कंप्यूटर का उपयोग कैसे है, ट्रेन की जानकारी के लिए और टिकट के लिए, कौन ट्रेन किस टाइम आ रही है, कितनी लेट है, क्या है, वो सारी जानकारी कंप्यूटर द्वारा। या नहीं, रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है,
कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं। लक्ष्मी, हम रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? कौन बच्चा बताएगा? बताइए। गाना सुनने के लिए। पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं। पहले हमारे टाइम में रेडियो होता था, ठीक है, रेडियो से हम गाना सुन सकते थे, समाचार सुन सकते थे, लेकिन समाचार को पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। अब कंप्यूटर द्वारा हम समाचार सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जो भी लिखा हुआ हमारे सामने आता है, ठीक है। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे। सब बच्चे देखते हुए कार्टून? अब वही कार्टून टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं वही हम कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? ड्राइंग शीट और ठीक है, यही सब चीजें हैं, यही सब वस्तुएं हैं कंप्यूटर में भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था। पहले क्या होता था, गाना सुनना है तो रेडियो चाहिए, समाचार सुनने हैं रेडियो चाहिए, अब कोई फिल्म देखनी है तो टीवी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत आसान हो गया है, जब से कंप्यूटर आया है बहुत सारे कार्य इस कंप्यूटर पे ही हो जाते हैं। पर अब इस कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। क्या है समझ में आपको? कंप्यूटर का उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं कंप्यूटर हमें मिलता है, ठीक है। डेस्कटॉप पर देखना, सामने वीडियो देखो, आपके सामने वीडियो है, चार इसमें चित्र हैं। क्या सभी कार्य जो चित्र में दिखाए गए हैं वो हम कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं? दो कर सकते हैं। कौन कौन से? हिसाब लगाना। दो कार्य नहीं कर सकते, दो कर सकते हैं या नहीं? क्या आप सब कंप्यूटर से गुब्बारा फुला सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब ये सब कैलकुलेटर में रहता है, इसलिए। कैलकुलेटर होता है इसमें, कंप्यूटर में कैलकुलेटर भी होता है, इसे हिसाब कर सकते हैं हम, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है, ठीक है। अब ये याद रखना, क्यों कर सकते हैं, यानी इसमें कैलकुलेटर भी होता है या नहीं? जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। आया समझ में? हाँ, इसका वजह याद रखनी, रीजन याद रखना है कि क्यों कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेटर भी होता है, इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं? लक्ष्मी, ड्राइंग कर सकते हैं हम? नहीं, आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेन
की फाइल होती है जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं? बच्चों आगे से पर्टिकुलर बच्चे से जवाब मांगूंगा, कोई बच्चा जवाब देगा, ठीक है? अपना अपना जवाब तैयार रखेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? या नहीं, आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर प्रेम खड़े हो जाओ, कंप्यूटर से रोटियां कौन ही बना सकते? लक्ष्मी आप बताइए। आप बताओ। सर उसमें आटा नहीं है, नमक नहीं है, पानी नहीं है। आपको ध्यान से नहीं सुन रहे? कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। यस सर, कल बताया गया था आपको, ठीक है? अब कौन बच्चा बताएगा कितने प्रकार के होते हैं? आगे चलाने से पहले मुझे जवाब चाहिए आपसे, कोई बच्चा जवाब दे। डेस्क कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, ओके, स्मार्ट कंप्यूटर। वेरी गुड, तालियां। और कोई बच्चा बताएगा? यस सर। हाँ बताइए। लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्क कंप्यूटर, हाँ, नोटबुक कंप्यूटर, हाँ, सब मैं बना सकता हूँ। लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट फोन कंप्यूटर, हाँ, नोटबुक कंप्यूटर, हाँ, सीपीयू कंप्यूटर, डेस्कटॉप बोल सकते हो, डेस्कटॉप, ठीक है? सावा, अच्छा बताया। कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। डेस्कटॉप। आदित्य, किचन हेल्प, बताइए। जो आपकी कॉपी नोटबुक होती है ना? Yes, उसके साइज का होता है, ठीक है? सिट डाउन प्लीज। स्मार्टफोन या पाम टॉप? स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है। इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अभी बताया था कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सभी का डिटेल आया है अभी। ये स्मार्टफोन या पाम टॉप कंप्यूटर जो है ये लास्ट फोर्थ है, ठीक है? अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं। ये तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं, ठीक है? कोई भी उपकरण हमें चालू करना भी तो आना चाहिए। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। प्रेम खड़े हो जाइए। सामने जो फर्स्ट चित्र है इसको बताइए कौन सा कंप्यूटर है ये। और अगले वाला बीच में जो बीच वाला कौन सा है? लैपटॉप। दो लैपटॉप कंप्यूटर है। आदित्य खड़े हो जाओ, बताइए कौन से वाला है, पहले वाला, सम्राट या सुमन, बताइए। वो सीपीयू कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है। यस, आप बताइए। डेस्क कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हाँ, और नोटबुक कंप्यूटर। वेरी गुड। अब इनकी तरह ध्यान से सुनिए, आप लोग सब ध्यान से नहीं सुनते हैं। पहले सीन में क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकंड में है लैपटॉप एंड थर्ड नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है? आपके पास लैपटॉप,
डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है। हमारे पास लैपटॉप तो है लेकिन हमें को खोलना भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो अभी अनुराग भैया आपको इसको खुलवाने में ओपन कराने में मदद करेंगे, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठें तो इन बातों का ध्यान रखें। कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट किया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। आइए अब कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? क्वेश्चन कौन सा लिखा हुआ है देखो सामने। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? एक मिनट कंप्यूटर क्या होता है? मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना फिर मुझे आंसर बताना, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है। इससे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये कंप्यूटर एक ऐसी चीज होती है जो हमारे सब कामों को आसान करती है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो हमारे सारे कार्यों को आसानी से कर देता है, ठीक है। अब ये देखो सामने पिक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, वीडियो प्ले करने के बाद आप मुझे बताओगे क्या वीडियो में बोला, ठीक है। ध्यान से देखना एकदम। क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अगर आप सभी ध्यान से देखें इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं या नहीं? इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं?
मुझे बताओ इसमें क्या क्या बोला बोलो कौन बोल रहे अभिजीत वेरी गुड एक लड़का कौन सा ऑफिस में काम कर रहा है ये नहीं ये वाला है ठीक है ओके और आगे वेरी गुड नेक्स्ट ये फिर ओके अर्पिता बताइए अर्पिता बताओ ये कौन है मैं कौन हूँ फिर ये कौन है टीचर क्या कर रही है पढ़ा रही है ये क्या कर रहा है बॉय ऑफिस में काम कर रहा है नहीं प्रोजेक्ट बना रहा है ये कौन है ये ऑफिस में काम कर रहा है ठीक है आप ध्यान से देखना मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ ठीक है कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे कि पेंटिंग करना गाने सुनना कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना आगे और चित्रों को देखें और समझें कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं एक आपसे पूछे कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं अभी आप नहीं बोलोगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उसके बाद आप बताओगे यूज कर सकते हैं या नहीं और किस लिए ठीक है लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप अनीता स्टैंड अप लाइब्रेरी में होता क्या है वैसे क्या रखी जाती है बुक रखी जाती है हाँ वेरी गुड और बुक को पढ़ लेना जाए इसलिए उसको सच कहते हैं नेक्स्ट सम्राट बोलिए लाइब्रेरी में बुक का हिसाब किताब करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है और ये भी उपयोग किया जा सकता है कि लाइब्रेरी से कितनी कॉपी किताब बाहर गई है और कितनी है ये लाइब्रेरी में ठीक है अब क्वेश्चन ये देखो अब क्या हम कंप्यूटर का उपयोग बैंक में कर सकते हैं ठीक है वीडियो प्ले करूंगी फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आप आंसर बोलोगे नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको ओके बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं दिए गए चित्र को देखकर बताएं क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं बैंक में कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं नहीं बैंक में पूछा मैंने अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा वेरी गुड और फारसी बोल बताएगा फारसी बोल स्टैंडर्ड बताइए बैंक में पैसे रखने से सब कुछ कंप्यूटर देखता है पैसे लेकर गए तो नहीं लेकर गए हाँ एक दूसरे को हम भेज सकते हैं बैंक कंप्यूटर द्वारा ठीक है अब क्वेश्चन ये है क्या हम कंप्यूटर का उपयोग रेलवे स्टेशन में कर सकते हैं या नहीं ठीक है क्वेश्चन है ठीक है कर सकते हैं ठीक है वीडियो देखो लुकिंग फ्रेंड रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि ऑफिस में हॉस्पिटल में स्कूल में मेट्रो स्टेशन पर
इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग। रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? अर्पिता बताइए बेटा। टिकट बनाया जाता है। टिकट लिखा जाता है और हुआ था। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी आगे बोलो और क्या होता है? रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी टिकट की जानकारी ले सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है और किस टाइम से जा रही है, किस टाइम पर, ठीक है, और अपनी टिकट की जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। उपयोग उपयोग क्यों करते हैं? गाना सुनने के लिए। ठीक है, अभी वीडियो प्ले कर रही हूँ, एक मिनट वीडियो प्ले कर रही हूँ, देखना उसमें क्या बोलते हैं फिर मुझे बताना, ठीक है। क्यों करते हैं? पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? आप बताइए कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? रेडियो का बताइए, पहले रेडियो का बताइए फिर कंप्यूटर का, ठीक है। रेडियो से गाना सुन सकते हैं। कौन कौन सा? प्रियंका बताइए, प्रियंका बताइए। रेडियो से गाना सुन सकते हैं। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट अंकित स्टैंड अप बताइए, रेडियो से हम क्या करते हैं? रेडियो से गाना सुनते हैं और हम पहले रेडियो से गाना सुनते थे, समाचार सुनते थे, आज की डेट में हम कंप्यूटर से गाना भी सुन सकते हैं, समाचार भी देख सकते हैं, हम और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, वो काम हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ भी सकते हैं। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? पहले आप टीवी क्वेश्चन ये है, हम टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? कार्टून देखने के लिए। क्वेश्चन है, वीडियो देखो आप, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? सिर्फ फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग? आप बताइए टीवी पे, टीवी के बारे में बताइए, टीवी का उपयोग क्यों करते थे? कार्टून देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, ओके ओके। और आगे सम्राट ध्यान कहाँ है आपका, बताओ मुझे, अनीता बताओ आप। टीवी से मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, आजकल तो कंप्यूटर से देखते हैं। ओके, हम लोग जो टीवी से पहले जो काम करते थे, मूवी देखना, कार्टून देखना, प्रोग्राम देखना, तो आज हम कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, सब कुछ हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हुआ, ड्राइंग शीट ध्यान से देखो, ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो देखना, वीडियो के बाद मुझे आंसर बताना। पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीज़ों का उपयोग करना पड़ता था, पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से
ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम खेलना हो तो कंप्यूटर, इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन क्या था, हम ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते थे? ड्राइंग शीट का, हाँ, अनीता स्टैंड अप। ड्राइंग बनाने के लिए और आजकल कंप्यूटर से भी ड्राइंग बना सकते हैं। पॉसिबल बताइए। ड्राइंग केवल के बिना नहीं सकता, आजकल कंप्यूटर में भी वो हो सकता है। जी, इसका आंसर देखो सुनो, पहले हम ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग शीट का इस्तेमाल करते थे, कलर भी लेते थे, ठीक है, इरेजर पेंसिल सब लेते थे। आज हम लोग कंप्यूटर पे शीट कलर पेंसिल सारे हमें कंप्यूटर पे मिलते हैं। तो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं ड्राइंग या नहीं, आप बताइए। कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आया है आपका, क्या हम इन कार्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं भी। यस, मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, उसके बाद बताना, ठीक है? क्या आप सब कंप्यूटर से दोबारा खुला सकते हैं? नहीं। नो नो, अभी मैं पूछूंगी आपसे। नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। अब बताइए। नहीं, कंप्यूटर से गुब्बारा खुला सकते हैं? नहीं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं? Yes. क्या हम कंप्यूटर से जोड़ना घटाना कर सकते Yes. हैं? Yes. Yes. Okay. क्यों कर सकते हैं? बताइए, हर्षिकुल बताओ। या नहीं। जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं? Yes. या नहीं। Yes. क्या होता है हिसाब करने के लिए कंप्यूटर में, क्या होता है? कैलकुलेटर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है आपका, क्या हम इन कार्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? Yes. 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 अभी आप वीडियो प्ले कर रही हो, गिव योर माउथ, वीडियो देखो। आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेन की फाइल होती है, जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन पहले कौन सा था? ड्राइंग कर सकते हैं हम? यस। क्या होता है उसमें, कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड। और क्या होती है? पेन की फाइल भी होती है, ठीक है, पेन की फाइल। अब क्वेश्चन आया, क्या हम इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ, फिर आंसर पूछूंगी, ओके? आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप दोबारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट, रोटी बना सकते हैं या नहीं? नो नो। क्यों? कंप्यूटर में मसाला नहीं होता है। और दोबारा खुला सकते हैं? नो, क्योंकि उसमें हवा नहीं। हिसाब कर सकते? यस यस। ड्राइंग कर सकते? यस।
अब क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आप सुनो वीडियो, ठीक है। मैं पूछूंगी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके चार भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है, और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है उस पर पोस्ट नहीं दे रखा है, तो मुझे पहले पोस्ट के बताना, ओके, क्योंकि 1031 पे। ये कौन सा कंप्यूटर है, खड़ो यहाँ पर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसे कितने पार्ट होते हैं, कितने, फोर, ओके। कंप्यूटर के पार्ट के नाम बताओ, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ओके। हमारा सीपीयू किसका काम करता है, सीपीयू, हाँ, मॉनिटर नहीं, सीपीयू किस चीज का काम करता है, अभी आपने वीडियो सुना, दिमाग का काम, वेरी गुड। मॉनिटर दिखाता है जो काम आप कर रहे हो तो सामने दिखाता है डिस्प्ले पे, ठीक है। और कीबोर्ड, कीबोर्ड किसके लिए काम करता है, नो टाइपिंग के लिए, कीबोर्ड टाइपिंग के लिए। माउस, माउस खोलने के लिए, हाँ, ओपन करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, वीडियो देखिए, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि इसके चार भाग होते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर, तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रख कर उपयोग कर सकें। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है, पर यह लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन या पाम टॉप, स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है, इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर, इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। आप मुझे बताओ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार। स्टैंडर्ड वन बताओ। मॉनिटर पार्ट है बेटा उसके, कंप्यूटर के नाम बताओ। अभी मैंने बोला था ना, ध्यान से सुनो। फर्स्ट कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, सेकंड लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप, स्मार्टफोन, दोनों एक ही होता है। तो
डेस्कटॉप में आपका जगह ज़्यादा लेता है, वो बड़ा होता है। लैपटॉप कंप्यूटर छोटा होता है, हाँ उसको अपनी गोद में लेके काम भी कर सकते हैं। लैपटॉप का मतलब है लैप, गोद में टॉप ऊपर, गोद के ऊपर लेके हम काम कर सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इनके सारे यूनिट कंप्यूटर के लैपटॉप के उसमें जुड़े रहते हैं, सारे यूनिट एक साथ रहते हैं, ठीक है। और इसको हम अपने बैग में ले जाके ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप की तरह ही होता है, थोड़ा छोटा होता है, इसकी ये कॉपी की तरह काम करता है, सीट इसकी कॉपी के बराबर होती है, ठीक है। और पाम टॉप स्मार्टफोन की तरह होता है, जैसे आपके घर में फ़ोन होंगे, स्मार्टफोन होंगे ना, हाथ में लेके करते हो काम, ये हुआ टॉप इसके ऊपर रखा हुआ काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ स्क्रीन टच, कौन सा कंप्यूटर है आपके पास? कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने। आपके पास कौन सा कंप्यूटर है? लैपटॉप। कौन कौन बोल रहा है लैपटॉप? और कौन बोल रहा है लैपटॉप? आपके पास अनीता? नाम बताइए। किसके ऊपर है ये? डेस्कटॉप। हाँ डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्क के ऊपर है, ठीक है। हर्षी बोल बताइए आप। वेरी गुड। अर्पिता आपके पास? लैपटॉप। लैपटॉप। अंकित आपके पास? सम्राट आपके पास? वेरी गुड। बगल में कौन है? तापसी आपके पास? आपके पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओके। अब हम सीखेंगे इसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं, सबसे इसको ओपन कैसे करना वो देखो, ठीक है। पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। ध्यान से देखो एकदम, ठीक है। तब कंप्यूटर की विंडो होती है जो हमें उन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल्स के बारे में बताती है जो फाइल्स को हम अपने इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और उन्हें हम सीधे खोल सकते हैं। ध्यान से सुनो, फाइल्स और फोल्डर क्या होते हैं? आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रोल। माउस से टच पैड है, माउस। सम्राट आपके पास क्या है? टच पैड माउस।
टच पैड है आपके पास, लैपटॉप है ना, लैपटॉप में ही टच पैड होता है। आप वीडियो देखो, अब आपको क्या करना है पता है, वीडियो ध्यान से देखना है। ये मेरा पॉइंटर देख रहे हो, ये आपके में भी पॉइंटर होगा, बीच में हाथ रखो अपने कंप्यूटर के पास, टच पैड में बीच में हाथ रखो एक उंगली। मैं बता रही हूँ बेटा, यहाँ उंगली रखो, अभी वीडियो देखना, वीडियो में इधर ध्यान दो। जब मैं वीडियो प्ले करूंगी, वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है? अब आप सब सामने टेक्स्ट स्क्रीन पर देखें, आपको छोटा सा तीर दिख रहा होगा, इस तीर आया, पॉइंटर आया आपके पास, पॉइंटर कैसे है? देखो ये पॉइंटर आ रहा है इनका। आप सब इस कर्सर या पॉइंटर की मदद से किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। कर्सर या पॉइंटर को हम अपने माउस अथवा टचपैड के उपयोग से चलाते हैं। अगर आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी अपने शट डाउन सीखना है, करना शट डाउन, ठीक है? और देखो ध्यान देना, ये पॉइंटर इनका, ये रहा आपका पॉइंटर, वैसे ही होगा जैसे आप अपनी माउस को घुमा रहे होंगे। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं, ये पॉइंटर, ये आगे इनका पॉइंटर का हट गया है, टचपैड में खाली जगह पर अपने राइट हैंड एक फिंगर को सामने दिखाए गए चित्र की तरह रखें और फिर ये रहा पॉइंटर, गोल गोल घुमाएंगे तो आपका पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे आप अपने टच पैड पर अपनी फिंगर, पता है ना आपको, मैंने राउंड राउंड घुमाओगे फिंगर तब आपको आपका पॉइंटर दिखेगा। यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए आप सभी कंप्यूटर को देखो शट डाउन, योर कंप्यूटर, अपना कंप्यूटर शट डाउन करना आपको, वीडियो देखना, वीडियो देखना। अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, वीडियो देखिए, ठीक है? पॉइंटर को, पॉइंटर कहाँ लेके जाना है, बटन पर लेकर आए, देखो ये पॉइंटर कहाँ जा रहा है, वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये कौन सा बटन है, स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पर ले जाओ बटन पर, अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। देखो 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 रिंग बटन सामने, देखो रिंग क्या सामने, देखो नीचे वाला बॉक्स आ गया, क्लिक करें, शट डाउन आ गया और वहां पे भी पॉइंटर को लेकर जाना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस शट डाउन ऑप्शन के पॉइंटर रखने के बाद अपने टच पैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना जिससे कि आप का कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आपने सीखा कंप्यूटर क्या, एक-एक करके टच पैड का उपयोग क्यों करते हैं और सबसे बाद में कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं यह भी सीखा। समझ में आया आप लोगों को क्या क्या सीखा कंप्यूटर से, क्या क्या चीज कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, माउस का, टचपैड का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, सब सीखा है? आ गया समझ में आप लोग को? तो मुझे पॉज करके पहले वीडियो सुना दूंगी, पॉज करके मुझे फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर के मॉनिटर की वो बताना पड़ेगा, मैंने सर को बताया पूरे, हाँ इसको पॉज करके बताना है क्योंकि ये भाग गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं कंप्यूटर शिक्षा नाम की NGO से हूँ। कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें, कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें, अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है,
कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। क्या क्या सीखेंगे यार? कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। ठीक है, पांच बातें हो गई। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, सॉरी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं और कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। ठीक है, ये पांच बात फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, आइए अब कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? एनीबडी एल्स, कोई बच्चा बताए कंप्यूटर क्या होता है? कल भी बताया था आपको, याद है किसी को? नहीं यार, सुनो ध्यान से। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्यों को आसान करती है। इसे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। संजवाया, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे कार्यों को बहुत आसान कर देती है और हमारे कार्य जल्दी भी पूरे हो जाते हैं। सब बच्चे बोलेंगे एक साथ, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे कार्यों को आसान कर देती है और हमारे कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। गोपाल खड़े हो जाओ, बताइए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। ड्राइंग बना रहा है, बना रही है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है और काम कर रहा है। हाँ बैठ जाओ। यार सनातन, ये लोग किसी चीज का खोज कर रहे हैं। हाँ, और टीचर पढ़ा रहे लिख रहा है। हाँ, और लड़की सोच रहा है। हाँ यस, आप बताइए। ये लड़का अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, और वो लड़की किसी मुश्किल में फंसी है। हाँ, और ये अब टीचर अब स्टूडेंट को पढ़ा रही है। ठीक है, और एक लड़की ड्राइंग बना रही है। वेरी गुड, और ये लड़का ऑफिस में काम कर रहा है। गुड, और ये दोनों अपना कोई चीज सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ताली है। अगर आप सभी ध्यान से देखें, इस चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है जो कि उनसे नहीं हो रहा है। इन सभी चित्रों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह सभी कार्य कंप्यूटर से कर सकते हैं? Yes. Yes. Yes or no? Yes. 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 या नहीं? इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई बच्चा आप में से ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो?
वो खड़ा होकर पूछ सकता है, अन्यथा भी बाद में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आप आंसर नहीं दोगे तो ठीक नहीं है, ठीक है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो बेझिझक पूछ सकते हैं आप, चले आगे। Yes, आगे अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाने सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना। आगे और चित्रों को देखें और समझें कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं। अभी तक क्या क्या उपयोग बताया? गाना सुनना, कोई ड्राइंग बनाना, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। Yes. लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं, ये आया समझ में आपको? किताबों की जानकारी रखने के लिए और कौन स्टूडेंट क्या किताब लेके गया है, कितनी किताब है लाइब्रेरी से इशू हो गई है और कितनी किताब वापसी जमा हो गई है, ठीक है। दिए गए चित्र को देखें और टिकट बनाने ट्रेन की जानकारी के लिए, कौन ट्रेन कितना देर चल रही है या किस टाइम पहुंच रही है, ठीक है या नहीं। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र बेटो, आज के टाइम में चाहे छोटी शॉप हो उसमें कंप्यूटर होता है, चाहे हॉस्पिटल हो, हम जहाँ भी जाएंगे वहीं हमें कंप्यूटर जरूर मिलेगा, ठीक है। आजकल कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं। पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे। बच्चों पहले कंप्यूटर नहीं होता था, ठीक है, पहले सिर्फ रेडियो होता था, तो उसे हम गाना सुन सकते थे, समाचार सुन सकते थे, लेकिन टीवी की तरह उसको देख नहीं सकते थे, ठीक है, पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं। टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून्स भी देख सकते हैं। जो प्रोग्राम हम टीवी पर देखते हैं, कार्टून या फिल्म, वही प्रोग्राम हम कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए आकाश खड़े हो जाओ, रोहित रोहित, ड्राइंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है बताओ। कलर, ओके, जब करते हैं तो क्या चीज की जरूरत होती है? कलर, ड्राइंग बुक, आगे चलो, गोपाल आप बताइए, ब्रश और पेंसिल और इरेजर की जरूरत नहीं होती? पेंसिल इरेजर भी तो चाहिए, ओके, बट ड्राइंग कैसे होगी? अब ध्यान से सुनो क्या क्या चाहिए था होगा। ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे, लेकिन आज हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था, पर अब एक कंप्यूटर आ जाने से
ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से कितने सारे काम हो जाते हैं आज। पहले अलग काम के लिए अलग अलग चीज की जरूरत हमें होती थी, आज कल सारे काम हमारे कंप्यूटर द्वारा ही हो जाते हैं। इस तरह कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप पढ़े बताओ, इन सभी कार्यों को कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है क्या? नहीं, कर सकते हैं। और हिसाब कर सकते हैं, जोड़ गुणा भाग कर सकते हैं, गुब्बारा भी बना सकते हैं, रूठे बना सकते हैं। नहीं, चलो देखते हैं क्या कहते हैं। क्या आप सब कंप्यूटर से गुब्बारा, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा नहीं भर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं? क्यों क्यों कर सकते हैं? इसमें कैलेंडर नहीं, कैलेंडर नहीं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर होता है, ठीक है। कैलेंडर तो हाँ, डेट वगैरह देखते हैं। जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं? हाँ। आप कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइंग शीट यानी कि पेन की फाइल होती है, जिसके बारे में आप आगे सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं नहीं, या नहीं? नहीं, आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब को कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर चार प्रकार। हाँ, कल मैंने बताया था, वीडियो दिखाया था आपको, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लैपटॉप, ओके, लैपटॉप ऊपर आप लैपटॉप लैपटॉप कॉपी लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक। हाँ बताइए, आप बताइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। लैपटॉप कंप्यूटर स्मार्टफोन और नोटबुक और डेस्कटॉप। अब फिर ध्यान से सुनो, बैठे हो सभी। कैसे होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर? डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके चार भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। कितने भाग होते हैं? चार। कौन कौन से? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। कैसे बोलो? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है, और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो,
अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। चार पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और क्योंकि इसके नंबर वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर टू इज लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर, तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सके। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या अंतर है वो बताया गया आपसे, ठीक है। क्या अंतर है? ये साइज में छोटा होता है, चारों पार्ट्स इसके एक ही यूनिट में जुड़े होते हैं और इसको चार्ज करके कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी घंटों उपयोग इसका कर सकते हैं। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर नंबर थ्री कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है, पर यह लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन या पाम टॉप, स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है, इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर, इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब सीखे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। गोपाल खड़े हो जाओ, बताइए। सनातन आप बताइए। डेस्क कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन कंप्यूटर, स्मार्टफोन या पाम टॉप, ठीक है। आप बताइए कुछ बात। लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, ओके। आप बताइए। वेरी गुड, सबसे अच्छा। अब हम सीखेंगे कंप्यूटर को और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आपके पास में नोटबुक कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, दो कंप्यूटर आपके पास में कौन कौन से? डेस्कटॉप, ठीक है। अभी वो कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कैसे शट डाउन करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होगा। सुन लेना अच्छे से। लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। और ये सब अपना बनाते हैं। खोलो बेटा, खोलो। सनातन आप मदद करो ना अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं,
तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक आपका लैपटॉप पहले खुलवाया मैंने, अब आपका डेस्कटॉप ऑन करेंगे, ठीक है? चलेगा, वो भी चलेगा। आपके सीपीयू में जो पावर बटन है उसको ऑन कीजिए। हो गया, आप भी अपना ऑन कर लो। आगे आगे ऑन कर लो। पीछे देखो, पीछे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे स्विच देखो, स्विच ऑन है कि नहीं है? ऑन करें। नीचे नीचे इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। दिए गए चित्र को देखें और बताएं इस स्क्रीन को क्या कहते हैं। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यह डेस्कटॉप क्या होता है। सामने देखिए, एक नया शब्द आपके सामने आया है, डेस्कटॉप। ठीक है, पहले भी सुना है डेस्कटॉप कंप्यूटर, कि डेस्कटॉप होता क्या है ये सुनिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर की विंडो होती है जो हमें उन एप्लीकेशन और फोल्डर फाइल्स के बारे में बताती है जो फाइल्स को हम अपने इच्छा से डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं आप, इसमें कुछ आइकन बने हुए हैं, ये फाइल्स या फोल्डर्स हैं। ठीक है, विंडो में के अंदर क्या क्या फाइल क्या क्या फोल्डर बना रखे हैं उनका सारा ये आइकन होते हैं। ठीक है, और उन्हें हम सीधे खोल सकते हैं। फाइल्स और फोल्डर क्या होते हैं यह आप आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। आइए अब कंप्यूटर को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं अथवा लैपटॉप या नोटबुक। अगर आप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। माउस जानते हैं क्या होता है? हाँ ठीक है, उसके अंदर तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन, जैसा कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है। कितने बटन है इसमें? थ्री, लेफ्ट राइट एंड स्क्रॉल। उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं फाइल को, ठीक है, वो आप आगे देखेंगे। लेफ्ट बटन का उपयोग आप सबसे ज्यादा करते हैं, इससे आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट बटन से आप कंप्यूटर को रिफ्रेश, न्यू फोल्डर, रीनेम फाइल और डिलीट फाइल इत्यादि कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप सब टचपैड का उपयोग करेंगे। माउस और टचपैड एक ही चीज होती है, लेकिन जब डेस्कटॉप कंप्यूटर में उनको यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं माउस, और जब लैपटॉप कंप्यूटर में उसका यूज कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं टच पैड। ठीक है, सामने दिए गए चित्र को देखें और फिर अपने नोटबुक में ऐसे दिए गए चित्र को देखें, इसे टच पैड कहते हैं। यह टच पैड नोटबुक या लैपटॉप के लिए हमारे दोनों हाथ की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे पास दो हाथ होते हैं, बायां और दाहिना, वैसे ही टचपैड में भी दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन। आप सब अपने टचपैड के लेफ्ट बटन का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे, चाहे आपको फाइल ओपन करनी हो या किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करना हो तो आप लेफ्ट बटन का उपयोग करेंगे। जिस तरह से माउस में लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं, इसी तरह से टचपैड में भी लेफ्ट बटन का उपयोग ही ज्यादा होता है। ठीक है, राइट बटन का उपयोग कंप्यूटर
को रिफ्रेश और फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। अब आप सब सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखें, आपको छोटा सा तीर दिख रहा होगा, इस तीर को कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। ये देखो ऊपर सामने सामने देखो, ये घूम रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर। आपके लैपटॉप में और डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी है, ठीक है। हाँ देखो सर घुमा के, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर, पॉइंटर या कर्सर, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटर या कर्सर। आप सब इस कर्सर या पॉइंटर की मदद से किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं। कर्सर या पॉइंटर को हम अपने माउस अथवा टचपैड के उपयोग से चलाते हैं। अगर आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी अपने राइट हैंड से माउस को पकड़ें और उसे गोल गोल घुमाएं। तो आपका माउस पकड़ के गोल गोल घुमा के देखो, उसको कर्सर घूमेगा। यस, कि पहले टेस्ट वाला बच्चा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमको तो सिखाई आगे। हेलो बेटा, सर ये ना बार बार ये होगा, हमें बता दो। अब आगे सुनो, अब सुनिए आगे। पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे आप अपने माउस को घुमा रहे होंगे। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने टचपैड में खाली जगह पर अपने राइट हैंड एक फिंगर को सामने दिखाए गए चित्र की तरह रखें और फिर गोल गोल घुमाएंगे। ये सबने देख लिया है, अभी ऐसे ही घूमेगा जैसे आप अपने टचपैड पर अपनी फिंगर को घुमा रहे होंगे। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए आप सभी कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं दिए गए वीडियो के माध्यम से सीखें। अभी आपने देखा ऑन कैसे करते हैं। अब इसे स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शट डाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है। गोपाल लेफ्ट में जाइए कोने में, माउस पकड़ के, माउस से बेटा इसको कराओ, गोपाल कराओ, गोपाल को नहीं मिल रहा है, बता गया बेटे। आपकी एनजीओ से हूँ, कंप्यूटर शिक्षा आपको फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करती है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह फिर बताना चाहता हूँ कि आपको इन कक्षाओं के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यह कक्षाएं आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आप जब कंप्यूटर क्लास के लिए बैठे तो इन बातों का ध्यान रखें, कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप ना करें। अगर किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने टीचर से संपर्क करें। जब आप सभी को सामने देखने के लिए बोला जाए तो आप सामने ही ध्यान दें। हर एक कोर्स के बाद आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा। आइए अब कंप्यूटर सीखना शुरू करें। आज की कक्षा में आप सब यह सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कहां कहां पर उपयोग होता है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। आइए अब कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? क्वेश्चन लिखो, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में बताना है, ठीक है। वीडियो दिखाऊंगी मैं, वीडियो प्ले करूंगी, उसके बाद आप देखोगे सुनोगे ध्यान से वीडियो में क्या बता रहे हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगी तो आप आंसर दोगे, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे बहुत से कार्य को आसान करती है। इसे हमारे बहुत से कार्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब आपको आगे जो चित्र दिखाए जाएंगे उनको देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा
कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि ये लोग कंप्यूटर क्या होता है। जयंती स्टैंड अप। वेरी गुड। चार प्रकार के होते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर के बारे में चार। नो मैम। आपका नाम क्या है? सम्राट स्टैंड अप। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर कंप्यूटर ऐसा एक यंत्र होता है, कंप्यूटर से हम किसी से बातें कर सकते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? स्टैंड अप बताइए। कंप्यूटर ऐसे एक चीज है जिसमें हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वेरी गुड, सर्च कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। हमें बात सुनो, कंप्यूटर एक मशीन है जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है, ठीक है, और जल्दी करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा। अब ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और सबके आंसर के जवाब आना चाहिए मेरे पास। ममता ध्यान देना वीडियो में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। शिवानी ये पिक्चर दिख रही है ना आपको? मैंने दिखा दिया, मैं प्ले करूँगी, इसमें पिक्चर के बारे में बताएंगे, फिर मैं आंसर आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, आंसर आता है। क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अगर आप सभी ध्यान से देखें, इन चित्र में एक लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, दो लड़कियां किसी चीज को सर्च कर रही हैं, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, एक लड़की ड्राइंग बना रही है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक लड़की किसी मुश्किल काम में फंसी है। इन चित्रों को देखने के बाद आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए किया जाता है। अगर किसी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों को देखें। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? आप बताइए पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या कार्य हो रहा है? एक लड़की सोच, एक मिनट जयंती स्टैंड अप। एक लड़की सोच रही है और एक लड़की ड्राइंग बना रही है, वेरी गुड, और एक लड़का ऑफिस में काम, वेरी गुड, और एक लड़का पढ़ा रही है, एक लड़की टीचर यस, और दो लड़की सर्च कर, वेरी गुड, और एक लड़का वेरी गुड, क्लैप फॉर। और कौन बताना चाहेगा? सम्राट आप बताओगे? स्टैंड अप। एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, वेरी गुड, दो लड़की सर्च कर रही है, वेरी गुड, और एक लड़का काम ऑफिस में काम कर रहा है, गुड, और एक लड़का और एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, गुड गुड, और एक लड़की ड्राइंग बना रही है, गुड, और एक लड़की किसी, वेरी गुड, आगे आगे किसी मुश्किल काम को, गुड गुड गुड। ममता नेक्स्ट। एक लड़की ड्राइंग बना रही है, वेरी गुड, एक लड़की को, ये कौन है? वेरी गुड, हाँ जी, ये कुछ कंप्यूटर में काम कर रही है, कहाँ पर कंप्यूटर में काम कर रही है, कहाँ पर? देन ये कुछ काम को सर्च कर रही है, वेरी गुड, थैंक यू, बैठिए। हाँ नेक्स्ट अनुराग, एक लड़का प्रोजेक्ट बना रहा है, दो लड़की सर्च कर रही है किसी चीज पर, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, और एक अंकल काम ऑफिस में काम कर रहे हैं, और एक लड़की ड्राइंग बना रही है, और एक आंटी किसी मुश्किल काम में फंसी है, उस पर सोच रही है।
कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, गाने सुनना, कैसा भी डॉक्यूमेंट बनाना। आगे और चित्रों को देखें और समझें कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पर और किस लिए करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। देखो, कोई अभी आंसर का जवाब नहीं देगा, मैं वीडियो बताऊंगी तब आप आंसर का जवाब दोगे। क्या हम कंप्यूटर का उपयोग लाइब्रेरी में कर सकते हैं या नहीं, वो वीडियो देखने के बाद आप बताओगे मुझे, ठीक है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग बुक्स की जानकारी रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से आप सब यह भी जान सकते हैं कि कितनी बुक्स स्टूडेंट लेके गए हैं और कितनी वापस आई है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं क्या आप बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। बताइए, लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं, स्टैंड अप। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में कितने बुक्स आए, कितने बुक्स बच्चे लेके गए, वेरी गुड, उसका पता चलता है। हाँ, और कितने कितने हैं उसमें, कितने हैं उसमें। हाँ, नेक्स्ट जयंती, जयंती बताइए। लाइब्रेरी में कंप्यूटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कौन है, रेखा, क्या नाम है? रेखा, स्टैंड अप बताइए। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं? नेक्स्ट सिट डाउन। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो जो बच्चे उसमें से बुक्स ले जाते हैं लाइब्रेरी में से, वो पता चलता है कि कितनी बुक्स लेके गए हैं और कितनी बुक्स वापस रखी है। ओके, मैं पीडीएफ प्ले कर रही हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ लो। बैंक में आप पैसों की लेन देन की जानकारी रखने के लिए कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेज सकते हैं। दिए गए चित्र को देखकर बताएं क्या आप रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। बैंक में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो? बगल में कौन? सामा, स्टैंड अप। बैंक में कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं? बैंक में कंप्यूटर का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं। गुड, राइट जाइए। आलम, स्टैंड अप। बैंक में से कंप्यूटर से दूसरी जगह में पैसे भेज सकते हैं और हिसाब किताब का भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है आपका, क्या हम कंप्यूटर का उपयोग रेलवे स्टेशन में कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। वीडियो प्ले कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर से टिकट की रिजर्वेशन की जाती है। कंप्यूटर से हम ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब और चित्रों को देखें जहां पर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, मेट्रो स्टेशन पर, इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सामने दिखाए गए चित्र को देखें और बताएं रेडियो का उपयोग, आप बताओ, रेलवे स्टेशन कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन में हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं कि कंप्यूटर से हमें पता चलता है कौन सा ट्रेन खाली है और कौन सा ट्रेन बुक है। हाँ। और हम टिकट भी बना सकते हैं। हाँ, रिजर्वेशन से कंप्यूटर द्वारा टिकट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अनुनाद, रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं? हम टिकट देने के लिए और ट्रेन की जानकारी रखने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जी। और ट्रेन किस टाइम कौन सी आ रही है, इसलिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है, किस टाइम आ रही है, कंप्यूटर द्वारा उसका कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू। पहले हम गाना और समाचार सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर से गाना सुन सकते हैं, हम कंप्यूटर से समाचार पढ़ भी सकते हैं, टीवी का अब बताइए रेडियो का उपयोग क्यों करते हैं? रेडियो का उपयोग हम गाना सुनने के लिए और समाचार सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी कंप्यूटर में गाना सुनने के लिए और समाचार पढ़ने के लिए करते हैं। वही काम जो रेडियो में हम लोग पहले करते थे वही काम हम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। रेडियो भी सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर को सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हम दोनों उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन आया है आपको टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनना। उपयोग क्यों करते हैं? पहले आप टीवी से फिल्म और कार्टून देखते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर पर आप फिल्म और कार्टून्स भी देख सकते हैं। ड्राइंग करने के लिए आप सभी क्या उपयोग करते हैं? बताइए टीवी का उपयोग क्यों करते हैं? टीवी का उपयोग हम इसलिए करते हैं, हम टेलीविज़न देखने के लिए करते हैं, फिल्म देखने के लिए और कार्टून भी देखने के लिए। अभी कंप्यूटर में हम टेलीविज़न फिल्म और कार्टून। हाँ सम्राट, इधर फेस करके देखो, वीडियो रिकॉर्ड इधर हो रहा है, बोलो। हम अब हम क्या कंप्यूटर पे कर सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ। बोलो क्या क्या देख सकते हैं? फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, और कार्टून देख सकते हैं, न्यूज भी सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट रतन क्यों करते हैं? फिल्म देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए, समाचार देखने के लिए। ठीक है, यही काम हम क्या कंप्यूटर से कर सकते हैं? हाँ। कैसे कर सकते हैं? उसमें ये सारी विंडोज होती है, सारा चीज होता है कि हम कर सकते हैं? होता है। वेरी गुड, सुपर। अब क्वेश्चन आया है ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते हैं, हो सकता है या नहीं? ठीक है, करते हैं। पहले आप सभी ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल हम कंप्यूटर पे भी ड्राइंग कर सकते हैं। पहले हर कार्य के लिए आप सभी को अलग अलग चीजों का उपयोग करना पड़ता था, पर अब एक कंप्यूटर के आ जाने से ये सारे कार्य आप सभी कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। मतलब गाना सुनना हो तो कंप्यूटर, मूवी देखना हो तो कंप्यूटर, ड्राइंग बनाना हो तो कंप्यूटर, कुछ टाइप करना हो तो कंप्यूटर, गेम्स खेलना हो तो कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग हर काम के लिए कर सकते हैं। अब आप सभी सामने दिए गए चित्रों को देखकर बताएं कि क्या आप सब इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते हैं, ड्राइंग शीट का उपयोग क्यों करते हैं हम? ड्राइंग करने के लिए करते हैं या कुछ बताओ? बनाने के लिए। ड्राइंग करने के लिए करते हैं, वही काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हो? कर सकते। कैसे? क्योंकि कंप्यूटर से जैसे पेंसिल होगी, रेजर हो गया, सारा कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो आसानी से हम कंप्यूटर से ड्राइंग शीट ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आया है आपका, क्या हम इन कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, कैन वी यूज कंप्यूटर्स फॉर? ठीक है, बैलून का हो गया, ये हो गया, ये हो गया चार। ठीक है, वीडियो प्ले कर रही हूँ, उसके आप बाद बताओगे, तो वीडियो देख लोगे फिर आंसर। ठीक है, क्या आप सब कंप्यूटर से गुब्बारा फुला सकते हैं या नहीं? अभी नहीं, नहीं, क्योंकि आप कंप्यूटर से हवा। अब बताइए आप गुब्बारा फुला सकते हैं कंप्यूटर से? कौन कौन बच्चे का नहीं जवाब है? नो, वेरी गुड, नहीं भर सकते हैं।
क्या आप कंप्यूटर से हिसाब जैसे कि जोड़ना घटाना वीडियो प्ले करने के बाद देखो इसमें लिखा है क्या हम कार्य को कंप्यूटर द्वारा उपयोग कर सकते हैं, ये जो जोड़ना घटाना कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अभी वीडियो सुनना, ठीक है, उसके बाद पूछूंगी क्या होता है उसमें। ठीक है, कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, आप कंप्यूटर से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना घटाना कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेटर होता है। क्या हम कंप्यूटर पर ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं, बताइए। हम हिसाब कर सकते हैं कंप्यूटर में। जयंती बताओ क्या होता है उसमें। वेरी गुड, क्या होता है? कैलकुलेटर। गुड, अब क्वेश्चन आया है आपका, क्या हम कंप्यूटर पे ड्राइंग कर सकते हैं? सीखेंगे। क्या आप कंप्यूटर से रोटियां बना सकते हैं या नहीं? और रोटियां इसलिए नहीं बना सकते ड्राइंग का चल रहा है ना। धीरज कैसे, उसमें कोई शीट भी नहीं लगता। वेरी गुड, कलर उसमें पेन की फाइल होती है, उसमें शीट होती है, इसलिए हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन आया, आप कंप्यूटर से रोटियां नहीं बना सकते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर से आप ड्राइंग और हिसाब तो कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से आप गुब्बारा और रोटियां नहीं बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर बताइए, बैलून फुला सकते हैं? नहीं, ना। नहीं, हिसाब कर सकते हैं? ड्राइंग कर सकते हैं? क्वेश्चन, इतना माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, सारा कुछ। चार प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को टेबल या डेस्क पर रखकर उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। इसके चार भाग होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग का काम करता है, मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है और जो काम हम कंप्यूटर पर करते हैं इसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग टाइपिंग करने के लिए होता है। कंप्यूटर में अगर कोई फाइल सेलेक्ट करनी हो अथवा ओपन करना हो तो आप माउस का प्रयोग करेंगे। पॉज कर दे, ठीक है, ना करना पड़ेगा। अच्छा, वेरी गुड। सर जयंती बताएं, डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के कितने पार्ट होते हैं? देखो यहाँ पर सामने चार पार्ट होते हैं, बताइए क्या है ये? क्या बेटा? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। नेक्स्ट धीरज बताइए। कीबोर्ड, सी, हाँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सीपीयू किसका काम करता है, कीबोर्ड किसका काम करता है, माउस किसका काम करता है, मॉनिटर किसका काम करता है? सम्राट बताएगा, सिट डाउन बेटा। सीपीयू किसका काम करता है? सीपीयू दिमाग का, दिमाग का काम करता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड जैसे कि कुछ करना है कंप्यूटर में। हाँ जी, मॉनिटर में वो दिखता है, वो नहीं, कीबोर्ड काम। सिट डाउन शिवानी, कीबोर्ड किसका काम करता है? कीबोर्ड जैसे हमें अपने दोस्त के लिए लेटर लिखना है तो उनमें जो बटन होता है उसके ऊपर जो अक्षर लिखे होते हैं उनसे हम उसमें कंप्यूटर में और लिख सकते हैं। हाँ, टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। माउस का जैसे अगर हमें कुछ विंडो वीडियो अगर हमें प्ले करना है तो उसके लिए हम माउस को हिला
जाके उसको ला सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और दूसरा आपको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, तब माउस का इस्तेमाल करते हैं। मॉनिटर निशा वो ममता बताएगी। मॉनिटर स्टैंड अप। मॉनिटर किसके तरह दिखता है ये चीज बताओ। हाँ, कंप्यूटर की तरह भी दिखता है और किसके तरह दिखता है। सिट डाउन। समर स्टैंड अप। मॉनिटर टीवी की तरह दिखता है। वेरी गुड, टीवी की तरह दिखता है। हम कोई काम कर रहे हैं तो आपके डिस्प्ले पे दिखेगा हम क्या काम कर रहे हैं। गुड, सिट डाउन बेटा। इसके चार भाग होते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में थोड़ी परेशानी होती है। लैपटॉप कंप्यूटर, ध्यान से सुनना। लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सके। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है, पर यह लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन या पाम टॉप। स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है, इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। अब मुझे बताओ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप में माउस तो होता नहीं है, कीबोर्ड भी नहीं होता है, तो आप कैसे बताओगे। लैपटॉप में नीचे एक बड़ा सा बटन होता है जिससे हम उंगलियों से हिला के उसमें जो करना है वो कर सकते हैं। और उसमें चालू करने के लिए साइड में या बीच में एक बटन होता है जिससे वो दबाकर हम हल्का दबाकर उसको चालू भी कर सकते हैं। हाँ, लैपटॉप डेस्कटॉप से थोड़ा छोटा होता है। और माउस, सीपीयू, कीबोर्ड ये लैपटॉप के एक ही यूनिट में रहते हैं, सारा काम करते हैं। और नोटबुक लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, ये काम एक कॉपी की शीट में, जो कॉपी की शीट होती है उसके आकार का होता है, उसमें कॉपी की शीट द्वारा काम किया जा सकता है। जयंती बता। छोटा सा लैपटॉप होता है, हैंडी नोटबुक। और हाथ से आप ये बताइए, जयंती बताइए, जयंती आपके पास कौन सा है। डेस्कटॉप। ओके, ममता आपके पास। वेरी गुड। धीरज आपके पास। लैपटॉप। हाँ, रतन। डेस्कटॉप कंप्यूटर। रेखा आपके पास। डेस्कटॉप। अनुराग। लैपटॉप। कौन है, सम्राट आपके पास। लैपटॉप। समा। डेस्कटॉप। नील कुमार। लैपटॉप। अनारुण। डेस्कटॉप। शिवानी आपके पास। डेस्कटॉप। ओके, अब इसको पहचानना है, देखना है कि कंप्यूटर को डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का। क्या सीखेंगे हम, लैपटॉप नोटबुक को ओपन करने का तरीका। ठीक है, किसके पास लैपटॉप है ध्यान से देखना है, कौन सा हैंड
किस पे यूज हो रहा है, नीचे वाली जगह पे या ऊपर वाली पे, कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है ध्यान से देखना है, फिर आपको ओपन करके मुझे दिखाना है, ठीक है वीडियो देखो ध्यान से। सही तरीका क्या होता है? लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरफ रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें। इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड कौन से उसमें रखोगे? लेफ्ट हैंड, गुड। राइट हैंड, गुड। नेक्स्ट धीरज, सम्राट, लेफ्ट हैंड किस में रखोगे आप? मुझे दिख नहीं रहा है, साइड में दिखाओ। हाँ गुड, राइट हैंड, ओके। फिर ऊपर से, ऊपर को राइट हैंड से आप ऊपर को खींचोगे, ठीक है करो, ओपन करो, गुड। आपको इसमें पावर बटन दिख रहा है कहीं पर? यस मैम। ठीक है, इससे आपको, आप एक बार प्रेस करोगे तो इसमें आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा, ठीक है। अनुराग, उनको बता दो क्या कहते हैं, पावर बटन सीपीयू में है आपका, सीपीयू देखो, डेस्कटॉप वाले सीपीयू देखो अपने, देखो पावर बटन आपका इसमें दिख रहा होता है कंप्यूटर को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से वीडियो देखना क्या दिखा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आप कौन से कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, मतलब कि उपयोग आप सबसे ज़्यादा करते हैं, इससे आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग कर रहे हैं तो आप सब टचपैड का उपयोग करेंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और फिर अपने नोटबुक में ऐसे दिए गए चित्र को देखें, इसे टचपैड कहते हैं। यह टचपैड नोटबुक या लैपटॉप की प्रेस और फोल्डर बनाने के लिए करते हैं। टचपैड आपके पास? टचपैड का पता है ना, टचपैड कैसे क्या काम करता है, दोनों हाथों का, ठीक है। के लिए हम क्लिक करते हैं, यूज करते हैं, और लेफ्ट के लिए रिफ्रेश, डिलीट या कोई नया फोल्डर आपको बनाना है तो हम लेफ्ट बटन का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल बटन वो होता है जैसे आपकी ये फाइल है, यहाँ देखो ये फाइल है आपकी, इसको अप डाउन कर सकते हो यहाँ, ठीक है। मुझे दिखाओगे, माउस दिखाओ, स्क्रॉल बटन दिखाओ, उसमें स्क्रॉल बटन दिखाओ, उसमें ममता उठाओ, बीच वाली, हाँ दिखाओ मुझे ममता, सबको दिखाओ, दिखाओ उंगली रख के दिखाओ, हाँ ये वाला दिखाओ सबको, हाँ स्क्रॉल है, ठीक है। और टच पैड में माउस का समझ में आया ना, टच पैड में तो आप लोग को पता है फिंगर से करना है आपको, ठीक है। अब आप सब सामने डेस्कटॉप पॉइंटर को हम अपने माउस अथवा टचपैड के उपयोग से चलाते हैं। अगर आप माउस का उपयोग कर रहे हैं तो आप सभी अपने राइट हैंड से माउस को पकड़ें और उसे गोल गोल घुमाएं, तो आपका पॉइंटर वैसे, और फिर गोल गोल घुमाएंगे तो आपका पॉइंटर वैसे ही घूमेगा
जैसे आप अपने टच पैड पर अपनी फिंगर को घुमा रहे होंगे। जो पॉइंटर था वहाँ दिख रहा था सामने आपको, पॉइंटर की पहचान होगी, उस पॉइंटर को आपको अपनी डिस्प्ले है ना कंप्यूटर की, उस पर राउंड राउंड घुमाना है। कैसे घुमाओगे नील कुमार बताओ, टच पैड पे कैसे घुमाओगे, कौन सी फिंगर रखोगे? कंप्यूटर देखो, लुकिंग फ्रंट करें तो आप कैसे करोगे, पहले वीडियो देखोगे, वीडियो देखोगे उसके बाद मुझे बताओगे, ठीक है? ध्यान से देखना आपका पॉइंटर कहाँ जा रहा है, वीडियो दिखाएंगे ना पॉइंटर दिखाएंगे, पॉइंटर कहाँ स्टार्ट बटन पे जा रहा है, कौन सा बटन क्लिक कर रहा है, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए आप सभी कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं दिए गए वीडियो देखना है, ठीक है? शटडाउन कैसे करते दिए गए वीडियो में देखिए आप, ठीक है? LEU के माध्यम से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन को लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना, जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है? और भी है आज जो आपने सीखा है ना, क्या सुन सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो भी बैलून नहीं फुला सकते, वो सारा इसमें दिखाएंगे। हमें आपने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पर किया जाता है, कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, माउस का उपयोग क्यों करते हैं, टच पैड का उपयोग क्यों करते हैं, और सबसे बाद में कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं, यह भी सीखा। बताओ क्या क्या सीखा? हाँ बताओ सम्राट। कंप्यूटर से हम ये सीखे कि कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं, गुड, और कंप्यूटर में क्या क्या होता है, वेरी गुड, और कंप्यूटर में क्या कौन सा चीज नहीं होता है, ओके, और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, शटडाउन मतलब।